मेरे प्रिय साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपने बचपन के सहपाठी पुरुषोत्तम मिश्रा का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। पुरुषोत्तम मिश्रा हमारे साथ पढ़ते थे और ये भाई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। हमारे पूरे ग्रुप में ये पंडित जी नाम से मशहूर हैं। तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी अपनी एक कहानी भेजी हमारे पास। कहते हैं कि एक बार एक कवि हलवाई की दुकान पहुँचा, वहीं पर उसने जलेबी ली और वहीं पर खाने बैठ गया जलेबी लेकर के। इतने में कौवा कहीं से आया और जो हलवाई के पास दही की परात थी जिसमें उसने दही जमा रखा था उसमें चोंच मारकर उड़ गया। अब हलवाई को बड़ा गुस्सा आया, उसने क्या एक पत्थर लिया, घसीट के कौवे को मारा। अब कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, उसने घसीट के पत्थर मारा। कौवे की ऐसी किस्मत खराब थी कि वो पत्थर कोई कौवे को लग गया और कौवा मर गया। अब ये जो घटना थी वो कवि देख रहा था, तो जो कवि का हृदय था वो जाग उठा। कहते हैं ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और आँखों से चुपचाप बही वही होगी कविता अनजान। तो जब कवि ने कौवे को देखा कि भाई हलवाई ने पत्थर मारा और कौवे को लगा, कौवा मर गया, तो इनके हृदय में करुण वेदना जाग उठी। उन्होंने क्या किया कि वो जलेबी खाने के बाद पानी पीने पहुँचे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कोयला उठाया, हलवाई की दुकान से कोयला लिया और कोयला लेकर वहाँ पर एक पंक्ति लिख दी, एक लाइन लिख दी कि काग दही पर जान गंवायो। काग अर्थात कौवा, दही माने दही, पर जान गंवायो मतलब जान अपनी दे दी, कि कौवे की जान जो थी वो दही के कारण चली गई। अगर कौवा दही न खाता तो जीवित रहता। तो उन्होंने कोयले से बड़ा बड़ा वहाँ पे लिखा कि काग दही पर जान गंवायो। अच्छा भाई, इसके बाद वो वहाँ से चले गए अपने मन की व्यथा को वहाँ पर लिख करके। तभी वहाँ क्या हुआ, एक लेखपाल महोदय आ गए। तो उन्होंने पढ़ा कि काग दही पर जान गंवायो, तो उन्हें कहा अच्छा जो कागजों में मैंने हेरा फेरी की थी उसके कारण मैं नौकरी से निकाला गया था। तो लेखपाल महोदय सोचने लगे कि कागजों में हेरा फेरी की वजह से ही मैं निलंबित हुआ। और जो लेखपाल थे वो भी वहाँ भाई जलेबी खा के पानी पीने आए हुए थे, तो उनकी भी निगाह उसी पंक्ति पर पड़ी कि कोयले से लिखा हुआ था। तो अनायास ही उनके मुँह से निकल पड़ा कि कागद पर ही जान गंवायो। कागद, उन्होंने काग दही, इन्होंने पढ़ा कागद ही पर जान गंवायो, कि अगर मैं इन कागजों में हेरा फेरी ना करता तो आज मेरी नौकरी न जाती, मेरी नौकरी चली गई, मेरा पूरा परिवार परेशान हो गया। भाई उनका सब पर असर पड़ेगा, पत्नी पर, पुत्र पर, बच्चों की शिक्षा पर। वो बहुत पछताए, लेकिन अभी क्या कर सकते थे, वो तो हाथ से निकल चुका था। और बार बार कहने लगे कागद ही पर जान गंवायो, कागद अर्थात कागज ही पर जान गंवायो, कि कागज की हेरा फेरी करने के कारण ही मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ मेरा चौपट हो गया। तभी वहाँ पर एक मजनू टाइप का लड़का आया जो कि कहीं से खूब मार खा के आया था, पिट पिटा के आया था। भाई सड़क छाप लड़के होते हैं, कोई लड़की निकली सीटी मार क्या आइटम है, क्या माल है, भूल जाते हैं कि घर में हमारी भी माँ बहनें हैं, हमारी भी बेटियाँ हैं, दोस्तों को देख बड़ी लाट पड़ती है। तो मजनू टाइप का लड़का था, किसी लड़की को छेड़ा था और खूब पीटा गया था। अब उसके बाद वो भी वहाँ पर आया तो उसने भी उसको पढ़ा, कहा अरे बिल्कुल सच्ची बात लिखी है, काश ये उसने पहले ही पढ़ लिया होता तो वो मार न खाता। तो उसने उसको पढ़ा का माने क्या, गधही गधी पर जान गंवायो, कि गधी जैसी लड़की मतलब मेरी माँ बहन बेटियाँ क्या अनमोल हैं, और का गधही पर मैंने किस गधी पर अपनी दुर्दशा करा ली, अपनी जान गंवाई। मैं बहुत मूर्ख हूँ, अगर मैंने इसको पढ़ लिया तो मैं किसी लड़की की तरह आँख उठा के गलत निगाहों से देखता ही नहीं,
तो क्या इसीलिए संत तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावनाएं होती हैं उसे ईश्वर वैसा दिखाई पड़ता है, वैसे संसार वैसा ही दिखाई पड़ता है। हम अक्सर आपसे क्या कहते हैं, बच्चों हम सुंदर नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं। अच्छी हैं आपके मन की भावनाएं, आपके सुंदर संस्कार, आपके माता पिता से मिले हुए सत्कर्म। उन्होंने आपको इतनी अच्छी परवरिश दी कि आप अपने से बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। इस परिवार में जितने भी मेरे बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, सब भाई सभी लड़कियों को अपनी माँ बहन ही समझते हैं, और जितनी बच्चियाँ हैं सब भैया का संबोधन देती हैं, अंकल संबोधन देती हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग का प्यार देखकर। मुझे लगता है कि मेरा परिवार भले ही छोटा है, 4,500 ही लोग सही, लेकिन इसमें चुन चुन कर अनमोल रतन भरे पड़े हुए हैं। सबकी बहुत ही खूबसूरत भावनाएं हैं। हमारी नीलू बिटिया कहती ना कि माँ जी आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। यश गुप्ता कहते माँ जी आप हमें दादी माँ आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये बेटा आप लोग के मन की सुंदर भावनाएं हैं। जाकी रही भावना जैसी, आप लोग के मन में जैसी भावना है मैं आपको वैसी नज़र आती हूँ, और जैसी हमारी नज़रें होती हैं वैसा हमको ये संसार दिखाई पड़ता है, वैसे हमको ये भगवान दिखाई पड़ते हैं, वैसे हमको ईश्वर अल्लाह दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमारे मन की भावना है। तो आप लोग को पुरुषोत्तम मिश्रा की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय।